कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? बताएगा, कहानी सुन क्या होता है, लंबा जाएगा, ओके 15-20 मिनट जाएगा। कंसीडर टू बॉल्स, कंसीडर टू बॉल, बॉल ए एंड बॉल बी, कंसीडर टू बॉल, दिस इज बॉल ए, मास इज एम ए, दिस इज बॉल बी एम बी, बॉल ए बॉल बी, कंसीडर टू बॉल, बॉल ए एंड बॉल बी, हूज इनिशियल वेलोसिटी इज यू ए एंड यू बी। बोले तो दो बॉल हैं ए और बी एंड दोनों बॉल मूव कर रहे हैं ऐसे विथ देयर इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी। नाउ आई एम गिविंग वन कंडीशन, यू आई एम चेकिंग योर ब्रेन नाउ, आई विल आस्क अ क्वेश्चन, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर ब्रेन, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर ब्रेन, रियल में यू हैव बुद्धि और नो। आई एम राइटिंग वन कॉमेंट हियर, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, इससे क्या समझ में आया, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, इससे क्या समझ में आया, आई एम टेस्टिंग योर ब्रेन, इससे क्या समझ में आया। यस, इससे क्या समझ में आया, सर फर्स्ट बॉल हैज मोर मोमेंटम, नो ओके करेक्ट सर, वेलोसिटी इज ग्रेटर ऑफ फर्स्ट बॉल, ओके आगे क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेटर है तो आगे क्या होगा, कम ऑन मोमेंटम इज ग्रेटर आगे, यस दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, हर्षल वेरी गुड, यस वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ओनली दे विल कोलाइड, कोलाइड मतलब डैश, कोलाइड यानी एक दूसरे को डैश मारना, एक दूसरे को डैश मारे, एम ए एम बी। सो ये पोस्टर था बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन होने के पहले ये परिस्थिति था, ये परिस्थिति हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, परिस्थिति मतलब सिचुएशन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, व्हेन बोथ बॉल विल कोलाइड दे विल डैश ईच अदर। सर हाउ कैन यू नो दे विल कोलाइड, अरे बाबा इधर बोला ए बड़ा है बी से, मतलब ये फास्ट जा रहा है ये स्लो जा रहा है, ये फास्ट है ये स्लो है, तो डैश तो मारेगा ही मारेगा, तो डैश मारा, तो ड्यूरिंग कोलिजन, बोल इधर तक गया, अब डैश मारा तो तू तू ही विचार कर, अब डैश मारा तो तू ही विचार कर, क्या ए ने बी पर फोर्स लगाया, हां या ना, आई रिपीट, बॉल ए ने बॉल बी पर फोर्स लगाया, हां या ना, हां सर, तो क्या बॉल बी ने बॉल ए पर लगाया, तो क्या बॉल बी ने बॉल ए पर भी फोर्स लगाया कि बी वाला शांत था, क्या बी ने भी ए पर लगाया कि बी शांत था, सर बी वाले ने भी ए पे लगाया, क्यों क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होना जरूरी है सर, वाई बिकॉज एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ होना जरूरी है। ओहो हो बोले तो सर, बोले तो ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी ने ए पर भी फोर्स लगाया, तो ऐसा दिखाते हैं, ए ने बी पर फोर्स लगाया ऐसे, ए ने फोर्स बाय ए ऑन बी ऐसे, तो बी ने ऐसे लगाया फोर्स बाय बी ऑन ए, इधर मैं लिखूं एफ ए बी फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स बाय ए ऑन बी, सॉरी कौन से कैसे भी बोल चलता है, फोर्स बाय ए ऑन बी, ए ने बी पर लगाया ऐसे, तो एफ बी ए, एफ बी ए क्या आएगा, फोर्स बाय बी, बी ने लगाया ए के ऊपर, है ना, फोर्स फोर्स बाय बी ऑन ए, बी ने लगाया ए के ऊपर, जैसे ए ने लगाया बी के ऊपर, एक्शन रिएक्शन
एक्शन रिएक्शन बरोबर, क्या तू मेरे साथ है या नहीं है, क्या तू मेरे साथ है क्या नहीं है बरोबर। ओके, अभी आगे देख क्या होता है। थर्ड, कोलिजन होने के बाद इधर जगह नहीं है तो मैं एक और बॉल निकाल रहा हूं ऐसे और ऐसे, तो ये एम ए है ये एम बी है। डैश मारने के बाद आफ्टर कोलोइडिंग ये जाएगा वी ए से, ये जाएगा वी बी से। और इसका मतलब क्या, लिसन केयरफुली, व्हाट इज वी ए, वी ए इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वी बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। सी वन थिंग आई विल मेक इट वेरी क्लियर, सुन मेरी बात ध्यान से, वन थिंग आई विल मेक इट वेरी क्लियर, ओके, व्हाट इज दैट थिंग आई विल टेल यू, लिसन केयरफुली। तेरे मन में डाउट आएगा, सर ऐसा कैसा, मैं बताता हूं, तेरे मन में डाउट आएगा, मैं बताता हूं क्या डाउट आएगा। दो बॉल है, ये दो बॉल है, ये दो बॉल धक्का मारे ऐसे है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए ने बी को धक्का मारा, धक्का मारने का डैश, डैश मतलब कोलाइड, हम फिजिक्स में बोलेंगे कोलाइड, धक्का मारा तो वापिस से दोनों स्ट्रेट कैसे जा रहे हैं। सर डैश होने के पहले ठीक है सर स्ट्रेट जा रहे थे, बट डैश मारने के बाद वापिस से दोनों स्ट्रेट कैसे जा रहे हैं, क्या ऐसा डाउट मन में आता है। दो बॉल जा रहा है, डैश मारा, वापिस से स्ट्रेट जा रहे हैं, क्या ऐसा डाउट मन में आता है। डैश मारने के बाद वापिस से स्ट्रेट कैसे जा रहे हैं, इधर लिख आफ्टर कोलिजन, इधर लिख आफ्टर कोलिजन। ये सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए ऐसा मानते हैं, आई रिपीट, बुक्स में पढ़ने के लिए हम ऐसा मानते हैं, मानते हैं मींस वी अज्यूम दैट आफ्टर डैश आल्सो दे मूव स्ट्रेट, वी अज्यूम, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, जब तू 11th में आएगा ना तू रियल में पढ़ता है, क्यों, कौन सा एंगल पे गया, कितने एंगल पे गया, क्या था उसका एंगल, डैश मारने के बाद क्या था उसका वेलोसिटी, वो सब 11th में पढ़ते हैं। 9th के लिए हम बोलते हैं डैश मारने के पहले भी स्ट्रेट था, बिफोर कोलोइडिंग दे वर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड आफ्टर कोलोइडिंग ऑल्सो दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। बोल ओके है, क्या मैंने तेरे डाउट का समाधान किया, डिड आई क्लियर योर डाउट। बोल तो ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ बुक्स में स्टडी करने के लिए, वी अज्यूम लाइक दिस, ये सिर्फ बुक्स में स्टडी करने के लिए वी अज्यूम लाइक दिस, बट रियल में ऐसा होता, बट रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में कुछ और होगा, दिस इज ओनली फॉर बुक्स। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर, नाउ वी विल यूज बेसिक नॉलेज ऑफ अवर, बेसिक नॉलेज ऑफ अवर थर्ड लॉ। जस्ट सी बिफोर दैट, मोमेंटम वी जस्ट राइट, मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन, एम ए यू ए। सिमिलरली मोमेंटम, बस मॉम लिख रहा हो, मॉमी लिखता हो ऐसा ही, मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन ये होगा एम ए एम बी यू बी, करेक्ट है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम ए यू ए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर बी इज एम बी यू बी। डू यू एग्री विद दिस, मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, तो ए का एम ए यू ए, बी का एम बी यू बी, बी का एम बी यू बी। अब आगे मोमेंटम बिफोर हो गया, डैश मारने के पहले डैश मारा, अब डैश मारने के बाद कोलिजन होने के बाद, सो कैन आई राइट हियर, मोमेंटम
ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन तू बोल क्या आएगा डैश, तू बोल क्या आएगा, कम ऑन मोमेंटम आफ्टर कोली ऑफ ए आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, एम ए वी ए, एम ए वी ए करेक्ट बोला, एम ए वी ए बहुत सिंपल है, एम ए एंड वी ए तू भावनाओं को समझ गया, मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, एम बी वी बी बरोबर, पूरी कहानी क्लियर है, इधर तक anybody has a slightest doubt also you may speak, anybody has a slightest doubt also you may speak, till your story is clear to everybody, till your story is clear to everybody, हाँ या ना, because I will have to rub the board there is no space, because I will have to rub the board there is no space. See, somebody is telling V. What about V? I wrote no V A V B. Sir, sir, please wait. We are copying. Okay. Copy kar. Actually, everything is there in notebook. See, somebody is asking, sir, V kyu aaya? Obviously, before collision, initial velocity hoga. After collision, final velocity hoga. Sir, after they collide, do their velocity become zero? Someone is asking me. Sir, after they collide, do their velocity become zero? अरे डैश मारने के बाद क्या बॉल रुकता है कभी? एक्सीडेंट होने के बाद कार रुकता है कभी? एक्सीडेंट होने के बाद दो कार आगे पीछे एक्सीडेंट हुआ तो जिधर एक्सीडेंट हुआ उधर ही स्टॉप हुआ, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे स्टॉप हुआ क्या? कि आगे जाएगा पीछे जाएगा लुढ़केगा कुछ तो होगा, हाँ या ना बोल क्या होगा? एक्सीडेंट होने के बाद बॉडी रुकता है उधर का उधर कि आगे पीछे जाएगा? एक्सीडेंट होने के बाद आगे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। तो क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो होंगे? तो क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो होंगे कि कुछ तो होंगे? विल फाइनल वेलोसिटी बी जीरो और इट विल हैव सम वैल्यू? Will final velocity be zero or will it have some value? Sir, it will have some value. It will have some value. वो कुछ भी होगा, वो भगवान जाने। Correct? Do you agree? चलो Okay. Shall we rub the board now? Shall we rub the board now? चलो डिस्कशन कंटिन्यूज आगे, डिस्कशन कंटिन्यूज आगे। तो हमने अब क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि गाड़ी को क्या होगा, पहले गाड़ी डैश होने के पहले डैश मारा, डैश होने के बाद बट रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में जुब 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 क्या क्या होगा, गॉड नोज क्या क्या होगा, ये तो सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए है, रियल में कुछ और होता है बट सिमिलर होता है, जो भी पढ़ रहे सिमिलर पढ़ रहे। चलो अब डायग्राम भी रब करेंगे और आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे, डायग्राम भी रब करेंगे और डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट सी नाउ, यस जस्ट सी नाउ, सी वी डिड समथिंग कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन है आगे, इट इज नॉट ओवर एट ऑल, ओनली आई टोल्ड कहानी, नाउ वी आर डिराइविंग, आई ओनली टोल्ड कहानी, नाउ आई एम डिराइविंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है देख, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है देख, फोर्स ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ बी ए, करेक्ट है, याद है मैंने लिखाया था ऐसा, ये फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया तो ये फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाया, क्या ये सेम था एक्शन रिएक्शन, क्या याद है डायग्राम में ड्रॉ किया था मैंने,
डिड आई ड्रॉ दिस इन दी डायग्राम? यस, बट एक इधर कैच है, आई रिपीट, स्टार मार्क, लीव एवरीथिंग एंड लिसन, लीव एवरीथिंग एंड लिसन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. सी द बिग कैच इज दैट, आई विल टेल यू व्हाट इज द बिग कैच हियर. द बच्चा विल नॉर्मली फॉरगेट टू पुट अ माइनस साइन. दिस इज द बिगेस्ट कैच. टेल मी व्हाई दिस इज द बिगेस्ट कैच. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई नेगेटिव साइन? अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देख, अब रियलाइज होता है, वो था डे वन. क्या करता है स्केलर वेक्टर? प्लस माइनस, ऐसा पॉजिटिव बोलते, ऐसा नेगेटिव, क्या क्या बोलता है सर फर्स्ट डे पे. अब देख कैसा फील आ रहा है. अगर इसको पॉजिटिव है तो ये दिशा को नेगेटिव डालना पड़ेगा. बोल, समझ में आया ये नेगेटिव क्यों आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड इट कम नेगेटिव? हाँ, बट फर्स्ट डे में वो रियलाइज ही नहीं होता है. जब हमने फर्स्ट डे फिजिक्स किया था, तुझे लगा था क्या क्या यूज होता है ऐसे? नहीं लगा था. तब अजीब अजीब लगता है. स्टार्टिंग ये फर्स्ट 3 डेज 4 डेज अजीब अजीब लगता है. क्या ये ऐसा पॉजिटिव ऐसा नेगेटिव बोलता है सर? ओके, नाउ यू टेल मी. ओके सर इज प्रोसीडिंग आगे. इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, somebody might not be happy. ओके, देन व्हाट सर? ही विल टेल, इसको नेगेटिव डाल, इसको पॉजिटिव डाल. भाई कुछ तो कर, मेरे घर का क्या जाता है? आंसर विल बी सेम. मेरे घर का क्या जाता है? आंसर विल बी सेम. ओके, नाउ यू कम बैक टू द पॉइंट. नाउ इज द टफेस्ट पॉइंट. As I had written here, फोर्स ए बी क्या है? फोर्स ऑन ए, फोर्स बाय ए ऑन बी. जस्ट लिखता हूं इधर, फोर्स बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बाय बी ऑन ए. करेक्ट है. अब फोर्स करेक्ट, तू बोल इधर तक करेक्ट है कि नहीं? मेरे को बोल इधर तक क्लियर है, तेरे मन में कुछ डाउट है तो बोल. तो इधर मैं लिखू फोर्स किसका? ए का के बी का? आफ्टर रीडिंग द इंग्लिश यू टेल मी फोर्स ए का के बी का है. इधर रीड द इंग्लिश. ए फोर्स ए का है कि बी का है? रीड द इंग्लिश. सर ए का है. अगर फोर्स ए का है तो क्या मैं इधर लिखू एम ए ए एंड इधर बी के लिए माइनस एम बी ए बी? क्या, क्यों सर? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मा. मा ए का, मा बी का. करेक्ट, मा ए का, मा बी का. डू यू एग्री? एम ए ए माइनस एम बी ए बी. फोर्स इज मा एम ए. बट ए का यहां पे, ए का यहां पे, ए का यहां पे, बी का. डू यू हैव डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं, कैसे आएगा सर? सेकेंड लॉ में किया था सर, सेकेंड लॉ में तो किया था ना, फोर्स इज एम ए. सर सेकेंड लॉ में किया था, फोर्स इज एम ए. बट ए क्या है? क्या फील आएगा? देख बाद में जो फील आएगा. बट ए क्या है सर? ए है वी ए माइनस यू ए बाई टी और जब माइनस साइन एम बी. ए क्या है? वी बी माइनस यू बी बाई टी. डू यू एग्री? क्या सर, ये तो फर्स्ट चैप्टर में किया था. एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. बस डिफरेंस क्या है? यहां पे यू हैव फैमिली ऑफ ए, हियर यू हैव फैमिली ऑफ बी. बोल, क्लियर? फैमिली ऑफ ए एंड फैमिली ऑफ बी क्लियर टू यू? ओके, जस्ट मल्टीप्लाई.
जस्ट मल्टीप्लाई एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, सर टी एंड टी कैंसल, यस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टी टी कैंसल हो गया, यहां का टी एंड यहां का टी कैंसल हो गया, करेक्ट है, इज इक्वल टू माइ बी केयरफुल विथ साइन माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस एम बी यू बी. आई डिड नथिंग बिग, आई जस्ट कैंसल टी टी, आई जस्ट कैंसल टी टी एम ए बी ए एम ए यू ए माइनस माइनस एम बी वी बी एम बी वी बी माइनस इंटू माइनस प्लस एम बी यू बी एम बी यू बी. वो क्लियर है? एवरी स्टेप आई एम डूइंग आई एम आस्किंग, एवरी स्टेप आई एम डूइंग आई एम आस्किंग, एवरी स्टेप आई एम डूइंग आई एम आस्किंग. हाँ ओके. नाउ व्हाट यू विल डू, यू यू का फैमिली वन साइड, यू का फैमिली वन साइड, वी का फैमिली वन साइड. ओके यू एंड वी का फैमिली वन वन साइड. सो व्हाट यू विल गेट हियर एम ए वी ए. ओके ये नेगेटिव इधर गया, ये नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव हो गया एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये इधर गया एम बी वी बी हो गया, ये इधर गया नेगेटिव का इधर पॉजिटिव हुआ एम ए यू ए. ओके नेगेटिव का इधर पॉजिटिव हुआ एम ए यू ए प्लस यहां पे क्या बचा एम बी यू बी. क्या समझ में आया सर, क्या समझ में आया? ये देख ये किसके मोमेंटम है और ये किसके मोमेंटम है, ये पढ़ एम वी एम वी एम यू एम यू, ये किसके मोमेंटम, ये किसके मोमेंटम है, एलएचएस में मोमेंटम किसके हैं, एम वी एम वी एम वी एलएचएस में किसका मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, करेक्ट करेक्ट ना. देखो मैं बताएगा स्लोली, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, यहां पे भी मास इनटू वेलोसिटी है, यहां पे ए का यहां पे बी का और यहां पे वी है, वी वी बोले तो क्या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओहो हो हो मोमेंटम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आफ्टर क्यों, अरे भाई वी है ना, वी बोले तो क्या आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम. सर मोमेंटम क्यों, अरे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम ही होगा, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. डाउट मत लाना, कुछ भी डाउट मत लाना, एवरी वर्ड के लिए मैं एक्सप्लेन किया है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम ए का बी का, ए और बी बोले तो क्या ए और बी वी का, ए एंड बी वी का है, बोलतो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब डैश होने के पहले का मोमेंटम. ओहो हो हो समझ में क्या आया, वी कम टू नो दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन वॉट एवर वॉज दैट वैल्यू, वॉट एवर विल बी दैट वैल्यू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, वॉट एवर विल बी दैट वैल्यू, मोमेंटम बिफोर कोलिजन का वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओके मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब पहले जो वैल्यू था डैश मारने के बाद भी वैल्यू सेम है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम यानी मास इंटू वेलॉसिटी, मास इंटू वेलॉसिटी मास इंटू वेलॉसिटी, बस ये फाइनल है इसीलिए आफ्टर कोलिजन है, ये इनिशियल है इसीलिए बिफोर कोलिजन है, इनिशियल बोले तो यू फाइनल बोले तो वी. ओहो हो बोले तो इनिशियल अगर दोनों का 100 था तो डैश होने के बाद भी कंपलसरी 100 ही होगा. आई रिपीट लास्ट टाइम, डैश मारने के पहले अगर दोनों का मोमेंटम टुगेदर 100 था तो डैश मारने के बाद बिफोर एंड आफ्टर द वैल्यू विल बी सेम. दिस इज कॉल्ड कंजर्व, आई रफ द बोर्ड, दिस इज कॉल्ड
कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी क्या? पहले भी वही था, बाद में भी वही है। बिफोर ऑल्सो इट वॉज सेम एंड आफ्टरवर्ड ऑल्सो इट विल बी सेम। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोल कॉन्सेप्ट गया नहीं गया? बोल कॉन्सेप्ट गया नहीं गया? एंड सारे प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर है। गारंटीड 100% श्योर प्रॉब्लम इन योर स्कूल्स। दिस इज द 100% श्योर प्रॉब्लम। इसके ऊपर आई रिपीट 100% श्योर इसके ऊपर प्रॉब्लम तेरे को एग्जाम में आएगा। आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम, 100% इसी के ऊपर हमारे एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आएंगे। ये तो डेरिवेशन है, आई रिपीट, ये तो डेरिवेशन है, बट एग्जाम में इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। डाउट है तो बोल। मैंने कहा था लंबा जाएगा, आधा घंटा जाएगा, बट फील आएगा। फील आया नहीं आया?